चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फ्लैश बट वेल्डिंग को देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है वो समझ लेते हैं, उसके बाद वेल्डिंग को लाइव शॉप में होता हुआ देखेंगे। जब भी हम रेलवे से मुसाफरी करते हैं तो कुछ तय इंटरवल पे खटक खटक सी आवाज़ परेशान करती रहती है, मगर आजकल इंडियन रेलवे में ऐसी आवाज़ को कम करने के लिए और रेलवे की स्पीड बढ़ाने के लिए रेल की पटरी की लंबाई तकरीबन 260 मीटर जितनी रखी जाती है। इस लंबाई को पाने के लिए यूज़ की जाने वाली फ्लैश बट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो फ्लैशिंग रेट कंट्रोल और डायरेक्ट करंट इन्वर्टर टाइप पावर सप्लाई के साथ काम करती है, इस टाइप की मशीनें प्री हीटिंग सिस्टम के साथ भी अवेलेबल है, जिससे हाई एफिशिएंसी और हाई एनर्जी सेविंग से कंटिन्यूस वेल्ड किया जा सकता है। और ये मशीन साइज और वेट में कम होने के कारण फील्ड पे भी वेल्डिंग करके पटरी की लंबाई और भी बढ़ाई जाती है। वैसे तो रेलवे के रेल को वेल्ड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका एक यूनिक प्रोफाइल के साथ लार्ज क्रॉस सेक्शन भी रहता है। उसके अलावा वियर और डैमेज रेजिस्टेंस एलिमेंट होने के कारण उसका कार्बन कंटेंट भी हाई होता है, मगर फिर भी रेल को चार मेथड्स से जॉइन किया जा सकता है। वो मेथड्स हैं फ्लैश बट वेल्डिंग, गैस प्रेशर वेल्डिंग, एल्मिनो थर्मिक वेल्डिंग और एंक्लोज्ड आर्क वेल्डिंग। इन सारी मेथडों में फ्लैश बट वेल्डिंग की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 4 मिनट जितने कम समय में। ये मेथड क्वालिटी स्टेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन है। उसी के कारण ये मेथड बड़े पैमाने पे जापान में यूज़ होता हुआ आया है और अब भारत में यूज़ हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लैश बट वेल्डिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लैश बट वेल्डिंग में यूज होने वाली पावर सप्लाई सिस्टम। अल्टरनेटिंग करंट मेनली फील्ड वेल्डिंग में यूज होता है और शॉप वेल्डिंग में डायरेक्ट करंट सिस्टम यूज की जाती है। आइए अब देखते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग कैसे किया जाता है। फ्लैश बट वेल्डिंग में दो रेल के छोर के बीच में इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई की जाती है। दोनों रेल में से एक रेल फ्री होता है जो लो स्पीड से आगे मूव करता है, और रेजिस्टेंस हीटिंग एंड लोकल हीटिंग के कारण फ्लैश और आर्क जनरेट होता है। ये प्रक्रिया बहुत बार रिपीट होती रहती है जब तक जॉइंट सरफेस पर मेल्ट लेयर तैयार नहीं हो जाता, और उसके बाद प्रेशर की मदद से वेल्ड जॉइंट फॉर्म होता है।